प्रस्तुत पाठ साखी ये 10वीं कक्षा का प्रथम अध्याय है। प्रस्तुत पाठ पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। ये कबीर की साखी है। साखी का अर्थ जैसे दोहे होते हैं, दो दो पंक्तियों के, जो कि होती हैं दो दो पंक्तियों के, लेकिन उसमें अर्थ बहुत विशाल होते हैं। वैसे ही हम सारी पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। तो पहला आता है, पहली पंक्ति है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पहली है वाणी। वाणी का अर्थ होता है बोली। आपा, आपा का अर्थ होता है अहंकार। शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। तन, तन का अर्थ होता है शरीर। अब इसकी अगर व्याख्या की जाए तो कुछ इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय के अहंकार को मिटा दे, अर्थात जिसमें हमारा अहम ना झलकता हो, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करे और दूसरों को भी सुख प्रदान करे। तात्पर्य यह है कि हमारे तन को शीतलता प्रदान करे तथा सुनने वाले को भी मानसिक सुख प्रदान करे, जिसे बोलने से हमें भी सुख प्राप्त हो और सामने वाले सुनने को भी अच्छा लगे। तो यह था पहली पंक्ति का अर्थ। अब जाते हैं हम दूसरी पंक्ति की ओर। दूसरी पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसमें भी कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका पहले हम अर्थ देखेंगे। तो पहला शब्द है कस्तूरी। इसका अर्थ है एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली, कुंडली का अर्थ होता है नाभि। मृग, मृग का अर्थ होता है हिरण। माही, माही का अर्थ होता है भीतर। ये थे कुछ कठिन शब्द। अब इसका अगर अर्थ देखें या फिर इसकी व्याख्या अगर की जाए तो यहाँ कवि ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उन्हें मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदों में आकर ढूंढता है। तीसरा छंद देखेंगे। तीसरे छंद में भी कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। पहले हम उनके बारे में देखेंगे। मैं का यहाँ पे उपयोग अहंकार के लिए किया गया है। हरि, हरि भगवान। देखिया का मतलब होता है देखना। अब इसका अगर अर्थ देखा जाए, कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसमें उसके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, यहाँ अहं के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है। यहाँ अहं का प्रयोग अहंकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। चौथा छंद हम देखेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे सुखिया, सुखिया का अर्थ होता है सुखी, अरु का अर्थ होता है और, सोवे का अर्थ होता है सोते हैं, दुखिया का अर्थ होता है दुखी और रोवे का अर्थ होता है रोते हैं। अब अगर इसकी व्याख्या की जाए, कवि के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि वे केवल खाने और सोने का काम करता है, इन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो ईश्वर के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे ईश्वर को पाने की आशा में हमेशा चिंता में लगे रहते हैं, उन्हें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें हमेशा ईश्वर की प्राप्ति ही चाहिए होती है, इसलिए हमेशा वो उसी चिंता में लगे होते हैं। पांचवा अगर हम देखें, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। तो इसमें भी कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे कि बिरह का मतलब होता है वियोग, भुवंगम, भुवंगम का अर्थ होता है
सांप। तन, तन का अर्थ होता है शरीर। जीवे, जीवे का अर्थ होता है जीवित रहना। बौरा, बौरा का अर्थ होता है पागल। तो अब इसकी अगर व्याख्या की जाए तो कबीरदास जी बिरही मनुष्य की मनस्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं, बिरही मनुष्य का अर्थ होता है जो किसी से बिछड़ जाता है, उसके दुख में जो दुखी जो रहता है। तो उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विरह रूपी सर्प शरीर में निवास करता है, उस पर किसी प्रकार का उपाय या मंत्र भी असर नहीं करता। अर्थात मतलब बोला जाए तो अगर कोई विरह में पागल है, किसी के वियोग से वो दुखी है, तो उसमें कोई भी मंत्र कोई भी उपाय उसके ऊपर कार्य नहीं करता। उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। यदि वह जीवित भी रहे तो उसकी मनस्थिति बिल्कुल एक पागल व्यक्ति की तरह होती है। तो ये था पांचवा छंद। अब उसके बाद वाला छठा देखेंगे हम। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो इसमें भी कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे कि निंदक। निंदक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, निंदा करने वाला जो हमेशा आपकी बुराई करे। नेड़ा का अर्थ होता है निकट। आंगनी का अर्थ होता है आंगन। कुटी, कुटी का अर्थ होता है कुटिया, मट्टी के घर जो घास फूस वाले उनको बोलते हैं कुटिया। बधाई, बधाई का अर्थ होता है बांध कर। साबन, साबन का अर्थ होता है साबुन। पानी, पानी का अर्थ यहाँ पे पानी। निर्मल का मतलब वही निर्मल पवित्र। सुभाई का मतलब स्वभाव। अब अगर इसकी व्याख्या की जाए तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसे अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो निंदक करने वाला होता है, निंदक जो होता है वो हमेशा आपकी बुराइयों के ऊपर लक्ष्य करता है, वो कभी भी आपकी अच्छाइयों को नहीं देखता, वो हमेशा आपकी बुराइयों को ही देखता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसे अपने आंगन में थोड़ी सी जगह देनी चाहिए, उसे अपने घर के पास ही रख लेना चाहिए। क्यों रख लेना चाहिए ना, वह हमें बिना साबुन और पानी, वह क्योंकि वह हमें साबुन और पानी के प्रयोग के बिना ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। मतलब अगर हम हाथ धोएं तो हम हाथ धोने के लिए क्या उपयोग करते हैं, साबुन और पानी। लेकिन ये वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे मन को स्वच्छ कर देता है। कैसे स्वच्छ कर देता है कि वो हमेशा हमारी निंदा करता है, अर्थात हमारी बुराइयां हमें बताता है। तो इससे क्या होता है, हमें अपनी बुराइयों के बारे में पता चल जाता है और हम अपनी उन बुराइयों को फिर से सुधार सकते हैं। सातवां देखेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होई। तो इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे पोथी, पोथी का अर्थ होता है पुस्तक। पढ़ी पढ़ी का अर्थ होता है मतलब पढ़ पढ़ कर। जग का मतलब होता है संसार। मुआ का अर्थ होता है मर गया। भया का अर्थ होता है हुआ। एके का मतलब होता है एक ही। अशीर का अर्थ होता है अक्षर। पीव का अर्थ होता है प्रियतम या फिर ईश्वर। अब इसकी अगर व्याख्या की जाए, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मतलब यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि केवल पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ही, उनका ऐसा मानना है कि पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ही वो विद्वान बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल पुस्तकें पढ़ने से ही कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता, परंतु अभी तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। वो पुस्तकें पढ़ने के बाद भी लोगों का मानना है कि हम पंडित बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल पुस्तकें पढ़ पढ़ कर पंडित नहीं बन सकते। यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो अवश्य ही वो पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला व्यक्ति ही वास्तविक ज्ञान और पंडित हो सकता है। हम घर जालियां अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियों ताश का जे चले हमारे साथी। अब इसमें हम कुछ कठिन शब्द देखेंगे। जालियां का मतलब होता है जलाना। अपना का अर्थ होता है अपना। ताश का मतलब होता है उसका। जे का अर्थ होता है जो। अब अगर इसकी व्याख्या की जाए तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने सबसे पहले अपना घर जलाया, फिर जलती हुई लकड़ी को हाथ में ले लिया,
अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलने को तैयार है, जो हमारे साथ साथ हैं। इसका अर्थ अगर बोला जाए तो पहले हमने हमारे घर से जो भी बुराइयां, जो भी गलत चीज हमारे घर में था, पहले हमने उन सबको वहां से नष्ट किया। अब हम अपने साथियों जो कि हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके घरों में जो बुराइयां हैं उन्हें हम दूर करेंगे। अपने साथियों की बुराइयां दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए आगे बढ़ चलेंगे। तो ये थी पूरे साखी की व्याख्या। अब इसमें कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जो कि सीधे सीधे हैं, जिनके की अर्थ आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैंने जो भी अर्थ बताए हैं उसके अनुसार ये चारों का अर्थ आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, और जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं इन सबको लर्न करना है।